नागपुर के 0 माइल से 10 किलोमीटर के दूरी पर आने वाला ये है बड़ा ताजाबाद। बड़ा ताजाबाद एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं और माथा टेक कर बाबा का दर्शन करते हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी में जन्मे शहंशाह हफ्ते अकलीम हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया संसार के बहुप्रसिद्ध सूफियों में से एक हैं। मध्य भारत के आप एक मेव संत है जिनका इतिहास ऐसा चमत्कारिक रहा है कि पुस्तकों के पृष्ठ भी उन्हें समाने में असमर्थ है। आपने अपने जीवन चरित्र के समस्त मानव जाति को ऐसा संदेश दिया है कि वह हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप शांति व अखंडता के दूत हैं। आपकी जीवन शैली सादगी और मानवता की प्रतीक रही है जिसका सच्चे मन से पालन करने वाले जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। आप अल्लाह ताला की याद में हमेशा लीन रहते थे। सभी को आप यह संदेश देते थे कि संपूर्ण मानव जाति एक समान है। भेदभाव कभी भी आपके जीवन का अंश नहीं रहे। आपने सदैव मानव को मानव से जोड़ने का काम किया है। इस प्रकार आप मानवता के एक दिग्गज परोपकार बनकर उभरे। आपने अपने जीवन के आरंभ में ही अपने नातेदारों सहित सभी को अपने जीवन के प्रति आश्चर्यचकित कर दिया था। किसे पता था कि आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के ऐसे दूत सिद्ध होंगे कि जिनकी ठोकर भी अजीवित को जीवन प्रदान कर देंगी। आपके अद्भुत चमत्कार आज भी लोगों की जुबान पर आम है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जीवन समाज सेवा का प्रतीक है। समाज सेवा इस्लाम धर्म का अति महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसी कारण आपने वाकी शरीफ में खास स्थानों का चयन कर नामांकन कर दिया था जिसमें मदरसा दवाखाना कचहरी मस्जिद और परेड ग्राउंड विशेषता से विख्यात है। आप लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार आप उन्हें इन स्थानों पर ठहरने का आदेश देते। फलस्वरूप वे अपनी कामनाओं में कामयाब हो जाते। आपकी दूरदृष्टि ने लोगों को कई पाठ पढ़ाए हैं। चमत्कार को नमस्कार करने वाले इस स्वार्थी संसार को बाबा हुजूर ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखलाए हैं जो आपकी अपार शक्ति के साथ समाज सेवा का भी प्रतीक है। दर्शकों नमस्कार, बीसेट के स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों आज हम आपको शहर के एक ऐसे संत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और उन्हीं की पावन भूमि में आज हम यहाँ पे नागपुर के बड़ा ताजाबाद में आए हुए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहंशाह हफ्ते अकलीम हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में। इस समय में बड़ा ताजबाग में बीसेन की टीम पहुंची है। अब हम आपको यहाँ की पल पल की जानकारी देंगे हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। आइए हमारे साथ। दर्शकों जैसे हमने भीतर प्रवेश किया, अब हम आपको इस समय में बता दें कि हम लोग जो है बीसेन की टीम पूरी तरह से बाबा जान के इस चौकट पे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि पीछे में बाबा जान का वहाँ पे लोग जियारत करते हुए इबादत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चौकट पे बैठ के ही हमारे साथ में बैठे हुए हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अकाउंटेंट और कैशियर जनाब गुलाम साहब, उनसे जानना चाहेंगे। गुलाम साहब ये बताए कि जिस प्रकार से 26 का बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम होते रहता है और ये जो बड़ा ताजाबाद है ये कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या है और क्या क्या इसकी खासियत है और बाबा जान के बारे में क्या जानकारी दोगे? जैसे कि आपने 26 के बारे में पूछा, 26 शरीफ जो है ये बाबा जान की हर माह मनाई जाती है और ये 26 का महत्व ये है कि जिस दिन सरकार ताजुल औलिया ने यहाँ पे पर्दा फरमाए थे वो तारीख को मानते हुए, उर्दू की 26 तारीख थी, उस तारीख को मानते हुए हर महीने की 26 तारीख को बाबा जान की 26 मनाई जाती है। क्योंकि ये बाबा जान के एक वफात की तारीख है जिसमें आपने पर्दा किए थे और उर्दू कैलेंडर के मुताबिक और उर्दू इसके मुताबिक जो उर्दू तारीख रहती है हमारी बाबा जान किसी भी हमारे धर्म के अंदर जो है उसके हिसाब से जो 26 है उसका महत्व है। तो उसी वजह से लोग यहाँ पे बाबा जान की वो अपने एक वो तारीख के दिन आते हैं और दुआ फातिया करते हैं और उसको मनाया जाता है। इसको तो बहुत ही मतलब इसके अंदर 26 का ऐसा है कि यहाँ पे बाबा जान का सवेरे परचम 9 बजे का एक वक्त है कि उसी वक्त में परचम लहराया जाता है बाबा जान में और वो टाइम के बाद में जो 26 का कार्यक्रम हमारा शुरू होता है, रात में मिलाद शरीफ और ये फातिया वगैरह का प्रोग्राम होता है और रात भर कव्वाली वगैरह होती है यहाँ पे सरकार। गुलाम साहब ये बताइए कि जिस तरह से बाबा जान जो यहाँ पे आए, हमने ऐसा कहा जाता है कि नानी माँ के साथ आए थे, क्या कहना चाहोगे? देखिए सरकार ताजुल औलिया जो है
यहाँ के खास उनका रहना यहाँ का नहीं है। सरकार ताजुल औलिया जो है उनके वालिद और दादा है, दादा हुजूर सरकार के जो है अरब के है रहने वाले, वहाँ से आप यहाँ पे तिजारत करने के हिसाब से इंडिया आए थे। और वहाँ पे उनके वालिद साहब जो थे सरकार ताजुल औलिया के, ये जो है फौज में थे, आप फौज से आपका यहाँ पे तबादला हो गया तो आप कामटी जो है गोरेगांव कामटी, वहाँ पे आपके जो ननियाल जो है बाबा जान का वो गोरेगांव कामटी का है, तो आपका यहीं पे रिश्ता जुड़ने के बाद में सरकार ताजुल औलिया के वालिद साहब का, तो सरकार ताजुल औलिया के जो वालिद साहब का यहाँ रिश्ता जुड़ा और वहाँ इनका ननियाल हुआ है, तो सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश यहीं की है। सरकार ताजुल औलिया के पैदाइश के एक साल के बाद में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 7 साल की उम्र में सरकार ताजुल औलिया की वालदा का भी इंतकाल हो गया। तो सरकार ताजुल औलिया यहाँ पे जो है अपने नानी के पास में परवरिश पाई, आपने नानी के पास में परवरिश पाई और यहीं पे आप बड़े हुए। आपका जो है जब आप 31 साल के करीब हुए 1892 में सरकार ताजुल औलिया पागलखाना शरीफ में आपको भर्ती किया गया। जब सरकार ताजुल औलिया ने एक जो इनका इनका जो कैंप रहता है मिलिट्री वालों का कंटोनमेंट में, वहाँ पर जाने के बाद में आपने अपने आप को बरहना कर दिया, तो उन लोगों ने पागल समझकर सरकार ताजुल औलिया को पागल खाना भेज दिया। तो 1892 में सरकार ताजुल औलिया को पागल खाने में लेके गया। पागल खाना शरीफ में आप सरकार ताजुल औलिया 16 साल तक वहाँ पर आपने अपनी इबादत और रियाजत वहाँ पर की। उसके बाद में सरकार ताजुल औलिया को सक्करदरा शरीफ में लेके आया गया। सरकार ताजुल औलिया 1908 में सरकार ताजुल औलिया को यहाँ सक्करदरा में सरकार रघुजी राजा भोसले ने 7,000 रुपये की जमानत के ऊपर यहाँ उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आए। उसके बाद में 40 दिन तकरीबन आप यहाँ पे रुके। 40 दिन रुकने के बाद में आप वाकी के लिए रवाना हो गए। वाकी में आपने 12 साल तक अपनी इबादत और रियाजत की। उसके बाद में 1920 में फिर सरकार ताजुल औलिया सक्करदरा में आ गए। सक्करदरा में आने के बाद में सरकार ताजुल औलिया एक बार अपने कोचवान से कहते हैं कि चलो हीरालाल अपन जंगल जाएंगे, तो वो जंगल जाएंगे करके सरकार के इस ये पहले जंगल ही पूरा जंगल था समझ लो पूरा, इस जंगल में आप आए और आने के बाद में आपने इस सरजमीन के ऊपर आने के बाद में एक जगह से मिट्टी उठाई और कहा यहाँ तो हमारी खुशबू आती है, और जो झंडा आप देख रहे हैं झंडे के जगह पे आपने एक लकड़ी गाड़ के कहा कि भाई ये मेरा यहाँ पे झंडा लहराएगा ताजुद्दीन कयामत तक है और रहेगा, ये सरकार ताजुल औलिया बोल के यहाँ से चले गए। तो उसी बात को मानते हुए जब आपका आपने यहाँ से पर्दा किए दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए आप, तो आपको यहाँ लोगों ने सरकार ताजुल औलिया को इस सरजमीन पे इस जगह पे इसीलिए लाया गया कि आपने इस जगह पे ये फरमाए थे कि यहाँ पे मेरी खुशबू आती है, यहाँ मेरा महल रहेगा, इस तरीके से आपने जो फरमाया था, तो इसलिए ताजाबाद शरीफ में लाया गया। ताजाबाद शरीफ की जो ज़मीन आपने पूछा कि कितने एरिया में फैला है, ताजाबाद शरीफ 84.92 डिसमिस जगह है, जिस 84.92 डिसमिस जगह पे सरकार ताजुल औलिया की जो ज़मीन है वो है। इसी के अंदर सरकार ताजुल औलिया को यहाँ पे आपको सुपुर्द खाक किया गया। और जब से ही यहाँ पे जो लोग सरकार ताजुल औलिया के साथ से आए थे, वो लोग जो खुद्दाम हजरात वगैरह है वो यहाँ पे बाबा जान के साथ में यहाँ रुक गए और जब से ताजाबाद आबाद हुआ है। काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में गुलाम भाई इन्होंने दी है। अब दर्शकों हम आपको भीतर लेके जाते हैं और वहाँ के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ताजाबाद का जो एक सौंदर्यीकरण जो होने जा रहा है और यहाँ पे जो विकास के कामकाज किए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, आइए हमारे साथ। तो ये गुलाम साहब ने ये जो जानकारी दी है काफ़ी अच्छी दी है। अब हम ये पूछना चाहेंगे गुलाम साहब कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो कामकाज हो रहे हैं, कई ऐसे घुम्मद है जो नए सिरे से बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जो डोनेशन है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है? जी हाँ, ये जो आप विकास कार्य यहाँ जो देख रहे हैं, ये विकास कार्य स्टेट गवर्नमेंट ने 132 करोड़ रुपए का प्लान ताजाबाद ट्रस्ट के लिए वो किया है। 132 करोड़ रुपए के प्लान के अंदर ये जो आप पूरा विकास देख रहे हैं, दरबार शरीफ का बना है और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये जो दरगाहें हैं, दरगाह के नीचे का फर्श वगैरह देख रहे हैं, ये 132 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने पास की है सरकार के लिए। जो विलासराव देशमुख जिस वक्त में यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने वो सरकार ताजुल औलिया से उनकी निस्बत थी उस वक्त में, उन्होंने अब ये फंड को अपने इससे वो किया था। तो जब से ही ये विकास कार्य चालू है और आप ये जो दरगाहें देख रहे हैं, ये जो दो दरगाहें आप देख रहे हैं, ये सरकार ताजुल औलिया ने इन्हें कभी अपने कबूतर कहते थे। तो इनके ये जो मोहम्मद ये बम्बई वाले बाबा और ख्वाजा बाबा, ये सरकार के जो है दो गुलदस्ते हैं।
इसीलिए ये जो दो दरगाहें हैं बाबा जान के दोनों एक साइड में है और एक तरीके से बन रही है, और बाकी जो दरगाहें हैं सभी का विकास कार्य होना है और सभी दरगाहों को जो है इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो यहाँ की खूबसूरती में और चार चांद लग जाए। हज़रत बाबा ताजुद्दीन जी को मानने वाले पूरे भारतवर्ष के साथ में बाहर के देशों में भी कई ऐसे श्रद्धालु है जो बाबा जान को बड़े दिल से चाहते हैं। इसमें हर जाति धर्म पंथ के लोग भी होते हैं। ऐसी आज जब जब भी यहाँ पे बड़ा ताजाबाद में जब प्रोग्राम होता है हर मज़हब के लोग रहते हैं। आइए उसी को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। गुलाम साहब ये बताएं कि यहाँ पे सभी कौमी एकता दिखती है, इसकी वजह क्या है? सरकार ताजुल औलिया ने कभी भी अपना कोई वो नहीं कहा कि भाई ये कौन है करके। जैसे कि आप ये जानेंगे कि जो रघुजी राजा भोसले है सरकार ने उन्हें अपना भाई फरमाया, और जो वाकी शरीफ में नाना उनको नाना कहा है, काशीनाथ पटेल को नाना कहा है। तो सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मेरे को किसी एक धर्म के साथ में जुड़ने की कोशिश नहीं की। सरकार ताजुल औलिया ने सभी धर्म के लोगों को एक भाईचारे का संदेश देते हुए, और आप यहाँ देखेंगे कि सरकार ताजुल औलिया में जो ट्रस्ट बनी है वो ट्रस्ट भी सर्वधर्म संभाव के प्रतीक बनी है, जिसमें सभी धर्म के लोग सिख हिंदू मुस्लिम खोजा पारसी सभी धर्म के लोग इसके अंदर शामिल है। और सरकार ताजुल औलिया की सभी धर्म के लोग बहुत दिलो जान से चाहते हैं। आप देखेंगे जब सरकार ताजुल औलिया का जन्मदिन जो 27 जनवरी को मनाया जाता है उसमें पूरे नागपुर में उस ऐसा जैसा त्यौहार का माहौल होता है। उसकी वजह यह है कि सरकार ताजुल औलिया को सभी धर्म के लोग इतनी श्रद्धा और इतने विश्वास से मानते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। कोई ये नहीं है कि सरकार ताजुल औलिया मुस्लिम है तो इसके वजह से उनको हम नहीं मानेंगे। सरकार ताजुल औलिया को मानने वाले सभी धर्म के लोग। और ये जो पूरा जो देश है, ये जो पूरा राज्य है या शहर की मैं बात करूँ कि ये सभी सूफी संतों से की भूमि है, और इसी भूमि में ऐसे बाबा ताजुद्दीन औलिया जैसे भी इन्होंने समाज को काफ़ी अच्छा प्रबोधन किया है और सभी जाति धर्म पंथों को एक माला में पिरोने का जो काम किया है, ऐसे ही बड़े सभी सूफी संतों ने और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये किया है। और यही एक खासियत है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम तन के हिंदुस्तान हमारा। और यही एक खास बात है कि 365 दिन में यानी हर साल में कितने मर्तबा कई धर्म जाति पंथ के लोग यहाँ पे माथा टेकने आते हैं और बाबा की इबादत करते हैं। इसीलिए बड़ा ताजाबाद अपने आप में एक है, एक है, एक है। और भी हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, आइए हमारे साथ। बड़ा ताजाबाद एक ऐसी खुशनुमा जगह है जहाँ पे हर कोई आता है और बाबा जान की चौकट में अपना माथा टिकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो अंदर जा रहे हैं और बाबा जान पे माथा टिकते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस बाबा जान से यही दुआएं कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में शांति हो, सुख हो, एकता हो, भाईचारा हो, सभी अमन से रहे और सभी का भला हो। यही दुआएं करते हुए बड़ा ताजाबाद में यहाँ पे तमाम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको वे आइए उनके पास चलते हैं और उनसे भी हम उनकी अपनी क्या वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आइए हमारे साथ। तो सीधा रुक करते उन्हीं के पास और उनसे ही जानना चाहेंगे। चाचा ये बताइए क्या कहना चाहोगे आप? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बाबा साहब की वहाँ आते रहता हूँ, इनका करम है इसलिए आते रहता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो आज? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे बहुत से काम बन जाते हैं आने से इसलिए आता हूँ। बिल्कुल, हर किसी के कामकाज बनते हैं और यही श्रद्धालय के ये भी पहुँचे और इनका भी काम जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर कुरैशी है, मैं कामटी से आया हूँ। अब तक कितने मरतबा आए थे? एक बार। ये पहला टाइम है? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो कुरैशी जी? बहुत अच्छा। आपके जैसे जो आपके कुछ आपके उम्र के कुछ भाई लोग आपसे बात कर रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहो तो क्या कहना कहोगे आप?
फिरंगी राज में जब भारत कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहा था, हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का जन्म 1283 हिजरी मुताबिक 27 जनवरी 1862 को मुकाम गोरा बाजार कामठी में हुआ। विभिन्न बयानात की बुनियाद पर बाबा हुजूर की जन्मतिथि सही समझ नहीं आती। जन्म के समय आप आम बच्चों की तरह रोए नहीं। बाबा हुजूर की नानी साहिबा मोहतरमा साजिदा बेगम के कहने पर तांबे के सिक्के को गर्म करके आपके माथे को दागा गया, तब आपने फौरन आंखें खोल दी। यह दाग आपके पवित्र माथे पर जीवन भर रहा। ऐसी घटना आपकी अम्मी जान की पैदाइश के वक्त भी पेश आई थी। बाबा हुजूर के परिवार के लोग मद्रास से सफर करके अंग्रेजों के कार्यकाल में कामठी आए। पारिवारिक पेशा सिपाहगिरी था, जबकि आपके दादा जान हजरत सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से तिजारत करने हिंदुस्तान तशरीफ लाए। यूं तो बाबा हुजूर के पवित्र परिवार में उच्च श्रेणी के फौजी अफसरों की कड़ी मिलती है, जो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत थे। बाबा हुजूर के खानदानी सिलसिले में दक्षिण भारत में पूर्वजों के मजार मिलते हैं। आपके पारिवारिक बुजुर्ग हजरत सैयद फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो पेनकुंडा में रहने वाले थे, इनका मजार शहर कोलार में है। वहां मौजूद बाबा हुजूर ने ददियाली रिश्तेदार आज भी दरबारे ताजुल औलिया से संबंध रखते हैं। शहर कोलार से बाबा हुजूर का खास ताल्लुक है। यूं तो हिंदुस्तान में बाबा हुजूर के नातेदारों की एक बड़ी कड़ी मिलती है, मगर जो दर्जा वस्तान बाबा हुजूर को मिला वह किसी और के हिस्से में नहीं आया। कामठी आने के बाद बाबा जान के अब्बू जान हजरत सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अंग्रेजों के कार्यकाल में बटालियन नंबर 22 में सूबेदार के पद पर तैनात थे, और बाबा हुजूर के नाना जान हजरत शेख मीरा साहब बटालियन नंबर 32 में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। लिहाजा मुनासिब समझकर दादा जान ने आपके अब्बू जान का रिश्ता इस खानदान में तय कर दिया। बाबा हुजूर की पैदाइश के एक साल बाद ही अब्बू जान सैयद बदरुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। बाबा हुजूर के अब्बू जान कामठी कंटोनमेंट सन 1854 ईस्वी में आए थे। आपकी फौजी कमान में सभी धर्म के लोग शामिल थे। बाबा हुजूर के अब्बू जान के दुनिया से जाने के बाद बाबा हुजूर के पालन पोषण का जिम्मा आपकी अम्मी जान मरियम बी साहिबा और रिश्तेदारों ने उठाया। बाबा हुजूर की अम्मी जान ने बेहद लगन से अपने दुलारे की देखभाल की। जब उम्र 6 बरस हुई तो आपको मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। बाबा जान ने खास तौर से अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी में महारत हासिल की। कहा जाता है कि जब मदरसे में मौलवी साहब ने आपको पवित्र कुरान से बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो आपके आगे सूरह फातिहा तक पड़ गए। यह भी कहा जाता है कि उसी समय हजरत शाह अब्दुल्लाह कादरी नौशादी, जो कामठी के मशहूर बुजुर्ग हैं, मदरसे में तशरीफ लाए और शिक्षक से फरमाया, जिस बच्चे को तुम सिखा रहे हो वह पहले ही से सीख कर आया है, इसलिए तुम अपना और उसका समय नष्ट मत करो। जब बाबा हुजूर की उम्र 9 बरस हुई तो अम्मी जान भी दुनिया से रुखसत हो गई। इस प्रकार आपकी परवरिश का जिम्मा ननिहाली रिश्तेदारों ने उठाया। अम्मी जान के इंतकाल के बाद बाबा हुजूर, नानी साहिबा, मामू जान और रिश्ते की बहनें लाल बी साहिबा, बिना बेगम साहिबा, आमेना बेगम साहिबा और अमीर बी साहिबा के बहुत लाडले थे। यूं तो सभी बहनें बाबा हुजूर को बहुत प्यार से रखती थी, मगर अमीर बी साहिबा आपको दुनियादारी और दीनदारी बहुत प्यार से सिखलाती। कभी कभी बाबा हुजूर बड़े फख्र से कह उठते, क्यों बहन, मैं चरागे दीन हूँ ना जी। आपकी बहन फरमाती, अल्लाह आपको चरागे दिन कर दे। बचपन से ही बाबा हुजूर की नेक आदतें जाहिर थी। इबादत व रियाजत आपका शौक था। तकरीबन 13 साल की उम्र में आप कहीं निकल पड़े, जिसकी खबर किसी को न हुई। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 6 बरस की उम्र से मदरसा जाने लगे। मदरसे में पढ़ाई पूरी करने के बाद आप तकरीबन 13 बरस की उम्र में बस्तर के जंगलों की ओर चल पड़े। इस रवानगी का किसी को भी पता न चला। आपकी तलाश में लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। आपके नाना जान हजरत शेख मीरा को आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी। आपकी जुदाई उन्हें बर्दाश्त न हो सकी। कुछ अरसे बाद नाना जान दुनिया से कूच कर गए। बस्तर के जंगलों में बाबा हुजूर ने
रियाजत जारी रखी। पेड़ पर चढ़कर आप सलाल तूल माकूस अदा करते रहे। बस्तर के जंगलों में जादूगरों का बसेरा था, जादूगरी उनका पेशा था। जब उनका जादू मन पड़ने लगा तो वह लोग बहुत परेशान हुए और इसकी वजह तलाश करने लगे। जादूगरों का एक सरदार हुआ करता था, वह समझ गया कि इसकी वजह क्या है। बाबा ताजुद्दीन के यहाँ आने से वो पूरी अपनी दुआ कबूल होती है और सुकून मिलता है। बिल्कुल सुकून मिलता है, ये सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा है और ये सही भी है। और भी कुछ है सर, आप बताइए आप कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? मैं परदवाड़े से आया हूँ, अमरावती जिला। हाँ, यहाँ आके बहुत यानी इत्मीनान बख्श हुआ मुझे। यहाँ आके यानी जितनी भी मन्नतें मुरादे जो है अल्लाह ताला इनके जरिए सब कबूल फरमाते। गुजरात से आया हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, बाबा का सलाम करने आया हूँ। हर समय में आते हो? हर बार, जितनी बार इधर आता हूँ उतनी बार आता हूँ। जब आप ट्रक चलाते हो क्या चलता है आपके मन में? बस धंधा करने का, वो सलाम करने का, आने का, गाड़ी खाली करने का। सर आप कहाँ से आए, क्या कहना चाहोगे? मैं जबलपुर से आया हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ कुछ दुआ करने, लोगों को इनको घुमाने भी लाया हूँ बाबा की दरगाह, बच्चों को अमन शांति के लिए, भाई हमारा सब अच्छे से रहे, हमारे बच्चे अच्छे से रहे, हम लोग अच्छे से रहे, जबलपुर के लोग अच्छे से रहे। और देश? देश भी, देश तो हमारा है, अच्छा अच्छा रहेगा। ये कहना चाहते हैं हमारे मतलब इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में सब अच्छे रहें, सुख चैन अमन से रहें, शांति रहे, बनी रहे, है ना। बाबा की दुआ रहे, बुजुर्गों की दुआ रहे, है ना, अल्लाह करम रहे हम सब पर। क्या नाम बस जी? हमारा कौसर जहाँ नाम है, जबलपुर से आए हैं। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बाबा की दरगाह अच्छी बन गई है ना, इसलिए आए हैं। थोड़ा साल में एक आध मरतबा आते ही रहे, आ जाते हैं साल, कभी दो साल में ऐसा भी आ जाते हैं। यहाँ उद्यानी कक्षा है, यहाँ पे लोग आते हैं और इस प्रकार से ये जो ऊद होता है इसमें डालते हैं और इसकी जो खुशबू, जो महक है, सभी क्षेत्र में, सभी परिसर को सराबोर कर देती है। सर कहाँ से आए, क्या कहना चाहोगे? हम सिवनी से आए, एमपी से, बाबा की दरगाह में आए हैं, बाबा से कुछ उनसे अपनी मुराद यहाँ पर लेके आए हैं अपने। अल्लाह ताला उनकी दुआओं से हमारी दुआओं को कबूल करें, हम ये चाहते हैं। और सब पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, सब सुकून से रहें, सब मिलजुल के रहें, सब भाईचारा बना रहे, हमारी ये दुआ है। जैसे कि हमने बाकी लोगों से बात किया और सभी ने इस देश में अमन बना रहे ये बात किया है। बाबा जान के इस चौकट पर हर जाति धर्म पंथ के लोग भी आ रहे हैं, आते हैं और शुरू के दौर से आते हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। आइए कुछ और भी लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, उनसे जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? अनिल काले, आदमसा चौक। मन को बहुत शांत रखता है क्या आज, इसकी वजह से एक तो छुट्टी भी थी, बच्चे का जन्मदिन भी था मेरे करके मैं आज आया, नहीं तो वैसे मेरे को टाइम मिलता ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? माझ्या मनाला खूप शांतता वाटत आहे मंदिर मध्ये आल्यावर। और पहली बार आए हो यहाँ पे, जो हमारे साथ में है वो इसके पहले आ चुके हैं, तो हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि बाबा दरगाह, बाबा जी की दरगाह कैसे अंदर से, तो इसलिए हम आए। और कुछ मन्नत है मांगना है उनसे, बस मन्नतें पूरी हो जाए, बस इसी कारण हम यहाँ पे आए। ठीक है, और भी कुछ हमारे साथ बड़ा ताजबाग में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जाना चाहेंगे। सर आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहोगे? एमपी पन्ना से आया हूँ और बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आया था, और आने से मन बहुत हल्का हो गया, बहुत अच्छा लगा इसे। मेरा नाम राहुल देवलकर है, मैं महाराष्ट्र अमरावती से आया हूँ। मैं पिछले 15 साल पहले बाबा के दरबार पे आया था, जिस समय मैं 12वीं किया था उस समय बाबा को माथा टिकाया था कि बाबा एक करने में को सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, और मेरी मुराद पूरी हुई है। जैसा भी समय मुझे मिलता है मैं बाबा के पास पक्का आता हूँ। आज 13 साल हो गए मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सैयद आबिद अली है, मैं हमेशा आता हूँ दरबार में और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है।
और बाबा का हमारी पुरानी अकीदत है, तो इस वजह से हम हर छब्बीस में आते हैं और हमारे दोस्त साथ में ये भी आते हैं हमेशा मेरे साथ में। बहुत अच्छा। मेरा मोहम्मद तामीर नाम है मेरा। सरकार ताजुल औलिया ने जो हमेशा नज़र करम करके हर मुसीबत से छुटकारा दिए है और हमेशा। जी मेरा नाम श्याम बनारसे है, मैं अमरावती ज़िले का रहने वाला हूँ। यहाँ पे पढ़ाई करता था, जब पढ़ाई करता था तब दर्शन करने आया था, अभी जॉब लगी है तब दर्शन करने आया हूँ और बहुत सुकून महसूस होता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं बिहार से हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ। थोड़ा फैमिली के मेरा तकलीफ था, इसलिए बाबा को करीब बार मैं आया हूँ। मेरा सफल पूरा हो रहा है धीरे धीरे और बहुत उम्मीद लगा के हूँ, सारा सफल मेरा ताज वाले बाबा करेंगे। दिलो जान से इनको चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं नाकेपुर में रहता हूँ, मैं बिहार से यहाँ रोजी रोटी के लिए मैं आया था। बाकी हमको मालूम पड़ गया कि हमारे ताज वाले औलिया में बहुत दम है, इसलिए मैं अपना फैमिली को लेके आया हूँ। साल भी सरकार ताजुल औलिया इनका 26वीं बनाई जा रही है। आज भी यह सोमवार मंगलवार के दिन 26वीं बनाई गई थी और आज भी यहाँ दर्शन के लिए काफ़ी लोग आए हैं और मैं भी दुआ मांगने के लिए आया हूँ। काफ़ी लोग भी दुआ मांगने के लिए आए और काफ़ी भी लोग हैं यहाँ और लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है और अच्छा माहौल है अपनी तरह से। बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से भी काफ़ी सुरक्षा रखी गई है। मी त्रिमूर्तिनगरमधून आलो आणि ताजुद्दीन बाबाच्या दर्शनासाठी आलो। मी नेहमी येत असतो बाबाची 26वीला, बाबाच्या उरसाला, बाबा प्रत्येक बाबाच्या कार्यक्रमाला मी नेहमी येत असतो आणि बाबाची माझ्यावर खूप कृपा आहे आणि त्या कृपेचं मी अक्षरशः कोणत्या शब्दात सांगू हेच मला कळत नाही। बाबाची बाबा भोवती उनका क्या ये काय म्हणायचं हेच काही समजत नाही। तुम्हाला सांगतो इतके बाबांची माझ्यावर कृपा आहे आणि मी नेहमी येत राहतो बाबाकडे। मी जामगडे आहो, मला इथे आनंद वाटतो इथे ताजबागमध्ये आणि दर्शन वगैरे करतो। बाबाने आपल्यावर फार कृपा केलेली आहे, बाबाचे अभिनंदन आहे आपल्यावर आणि मी हर 26वीला येतो। जहां बाबा हुजूर इबादत कर रहे थे वे लोग वहां पहुंचे और अपने जादू से बाबा हुजूर पर वार करने लगे। वे समझ नहीं सके कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब उन पर उल्टा असर होने लगा तो कोई अपाहिज हो गया तो किसी की आंख जाती रही। जब उनके जादू का बाबा हुजूर पर जोर न चला तब वे लोग समझ गए अब उनका जादू चलने वाला नहीं। जादूगरों के गुरु ने सोचा कि अब माफी मांगे बगैर काम नहीं चल सकता, तो वह अपने कबीले समेत बाबा हुजूर से माफी मांगने की गरज से वहां पहुंचा। उसने पाया कि बाबा हुजूर अपनी रियाजत में उसी हालत में है, तो उसने दो लोगों को वहां तैनात कर दिया कि हजरत जब भी पेड़ से नीचे उतरे तो उन्हें खबर की जाए कि वह लोग उनसे माफी मांगना चाहते हैं। फिर ऐसा ही हुआ कि कुछ ही अरसे में हजरत पेड़ से नीचे उतर आए। कबीले के सरदार को खबर की गई कि वह अपने साथियों के साथ वहां हाजिर हुआ और गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। बाबा हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। फिर आपको सच्चाई पर पाके उन लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बाबा हुजूर ने उन्हें दीन इस्लाम की तालीम से अवगत कराया। उसके बाद तकरीबन और 2 साल वहां रहकर उन सभी को सीधी राह दिखाई। जंगली में आपकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। उसी दौरान लोगों ने आपको जंगल में शेर की सवारी करते हुए भी पाया। इस्लाम की दौलत से उन्हें मालामाल करने के बाद आप कामठी लौट आए। गुरुवार 9 जुलाई 1908 ईस्वी को महाराजा रघुजी राम भोसले बाबा हुजूर को ₹7,000 की जमानत पर अपने साथ शक्करदरा ले आए। राजा साहब ने बाबा हुजूर की शान के योग प्रबंध करवाए। शक्करदरा में लाल महल खास बाबा हुजूर के लिए तय किया गया, सेवकों को तैनात भी किया गया, आपकी देखरेख के लिए पहलवानों का इंतजाम किया गया। जिस रोज आप शिफा खाने से लाल महल आए एक शानदार जुलूस आपके साथ महल को रवाना हुआ, जिसमें हाथी घोड़े
ऊंटों के साथ बाजे ताशे बजाते रहे कारवा महल शक्करदरा पहुंचा। जब बाबा हुजूर शक्करदरा में पहली बार आए तो सारे लोग आपके दीदार मुबारक के लिए उमड़ पड़े। श्रीमान राजा रघुजीराव भोसले का रोजाना का मालूम था कि वह बिना स्नान किए बाबा हुजूर का दीदार नहीं करते थे और बेहद अदब से काफी दूर आपके रूबरू हाथ जोड़े आधा आधा घंटे खड़े रहते। आपकी मोहब्बत के किस्से हर एक की जुबान पर है, आपकी मोहब्बत के किस्से हर एक की जुबान पर हैं। अनगिनत लोगों का हुजूम सुबह से रात तक हुजूर के आसपास जमा रहता, इसी लिहाज से अनगिनत लोगों का हुजूम सुबह से रात तक हुजूर के आसपास जमा रहता, इसी लिहाज से सारे इंतजामात राजा साहब बखुशी करवाते। आपके खाने का इंतजाम भी कुछ इस तरह था, हर 6 घंटे बाद ताजा खाना तैयार होकर आ जाता। एक मुलाजिम 2 बड़े थाल लिए बाबा हुजूर के पीछे खड़े रहता कि कब खाना तलब कर ले। आप 2-3 निवाले ही खाते या कभी नहीं भी खाते। पानी की छागल लिए एक खिदमतगार हमेशा आपके पीछे खड़े रहता। अक्सर बाबा जान 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। जब पहला महायुद्ध अपने चरम पर था तो एक दिन बाबा हुजूर ने सेवकों से पानी तलब किया। आपने उस रोज बहुत पानी मंगा कर पिया, यहाँ तक कि मटकों और घड़ों का पानी सब खत्म हो गया। मामला लोगों की समझ से बाहर था। जब 3 घंटे बीत गए उस वक्त आपने अपनी खामोशी तोड़ी और फरमाया, सारे ही प्यासे थे जी, वह और जख्मी भी थे, उनको वहाँ पानी कहाँ मिलता जी, वह जंग का मैदान जी हजरत। यह आपकी रसाई का आलम है। जिस तरह हजरत गौस पाक अपनी हथेली राई का दाना रख कर फरमाते कि मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ, आपके शहजादों का भी वही आलम है। देखते भी है, मदद भी पहुँचाते है और उनकी मुरादे भी पूरी करते हैं। बाबा हुजूर ने शक्करदरा में 40 दिनों तक मुकाम किया, उसके बाद आप वाकी के जंगलों की ओर चल पड़े। भारत देश हमेशा से ही सूफियों संतों का गढ़ रहा है। रूहानियत यहाँ के खमीर से मिली हुई है। उन सूफी संतों ने यहाँ के वासियों को हमेशा अपने रूहानी और आध्यात्मिक कर्म से कृतार्थ किया है। मौजूदा दौर में भी कहीं कहीं ऐसे लोग नजर आ जाते हैं, जिससे यह नतीजा निकलता है कि यह रिवाज भारत में अब भी मौजूद है। 19वीं सदी भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक दौर रहा। उस समय अंग्रेजों का राज्य कायम हो चुका था, जंगे आजादी नाकाम हो गई थी, मगर 4 वर्ष बाद एक ऐसे बुजुर्ग का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी करामत और कारनामों से अंग्रेजों को हैरत में डाल दिया। वह बुजुर्ग हजरत बाबा ताजुद्दीन है, दिनों का उद्धार करने वाला मसीहा तथा जाति भेद और धर्म की श्रृंखला तोड़ने वाले हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म 27 जनवरी 1861 को नागपुर के निकट चितकामठी में हुआ। नागपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा जान के पिता का नाम सैयद बदरुद्दीन तथा माता का नाम मरियम भी था। नागपुर के भोसले इन पर नजर रखने हेतु अंग्रेजों ने कामठी में लश्करी छावनी का निर्माण किया था। विश्व में कहीं भी युद्ध हुआ तो कामठी रेजिमेंट को वहाँ भेज दिया जाता था। ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में फलटन जाती ऐसी एक रेजिमेंट नंबर 32 की फौज में बाबा ताजुद्दीन के पिता सैयद बदरुद्दीन सुबेदार थे। सोमवार की राम प्रहरी जन में बाबा ने सबको अलौकिक शक्ति से अचंभित किया। जन के समय में आम तौर से बच्चा रोता है, मगर बाबा बिल्कुल ही नहीं रोए। बाबा मात्र 1 साल के थे तब पिता का देहांत हुआ और 9 साल की उम्र में उनकी माँ भी चल बसी। बचपन में ही माँ बाप का साया गंवाने वाले बाबा के कई मुख्तलिफ करामात थे। अन्य चमत्कारों में तू नहीं बैठ पाएगा नाम का भी एक चमत्कार था। नागपुर में मथुरादास नामी एक लड़का रहता था जो बाबा हुजूर का बहुत चाहने वाला था और टोपियां बेचकर गुजर बसर करता था। जब भी आता हुजूर की सेवा में कोई कसर न छोड़ता, आपके पांव दबाता और आपका हर हुक्म माना करता। हुजूर भी उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते। कभी पूछते आज कितना माल बिका तो वह कहता, हुजूर आज तो 4 आने की टोपियां बेचा हूँ। हुजूर फरमाते, अच्छा अपने जेब देखो,
जब वह अपनी जेब देखता तो पैसों से भरी पाता। यूं बाबा हुजूर के करम से उसके कारोबार में तरक्की होती रही और वह दौलतमंद बन गया। बाबा हुजूर से एक दिन कहने लगा, हुजूर मैं अब आपके पास पैदल नहीं आया करूंगा, मैंने कार खरीदने की ठान ली, अब हम दोनों कार में घुमा करेंगे, आपको कार में बैठा कर खूब सैर कराऊंगा, फिर लोग आपको नहीं सताएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बाबा हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे तू मुझे नहीं बैठा सकेगा। मथुरा दास कहने लगा मैं जरूर आपको ले जाऊंगा। अगली बार जब वह लड़का कार लेकर आया तो बाबा हुजूर दुनिया से पर्दा कर चुके थे। लड़का उस समय बाबा हुजूर की बात का मतलब समझ पाया और फूट फूट कर रोने लगा। यह हुजूर का फैज व करम था कि गरीब हो या अमीर सबको यूं नवाजते कि जमीन को आसमान कर देते कि दुनिया आपको देखते रह जाते। बाबा का एक चमत्कार भी बहुत बड़ा था। बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के एक रिश्तेदार जिनका मुकाम शतरंजीपुरा नागपुर में था, हुजूर का वहाँ आना जाना रहता था। आप जब भी वहाँ जाते लोगों का मजमा हो जाता और अपनी परेशानी हुजूर के सामने बताते। एक दिन लोगों ने देखा कि हुजूर दरवाजे की तरफ न जाते हुए दीवार की तरफ से सीधे उस तरफ निकल गए जहाँ आपकी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। आपकी यह करामत देख लोग हैरान रह गए। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया कि हुजूर दीवार के पार कैसे गुजर गए, जो कि नामुमकिन है। दरअसल जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। कायनात की हर चीज उसके हुक्म के अधीन हो जाती है, वह जो कहता है वह हो जाता है। यही वजह है कि अवलिया एक वक्त में कई कई जगह पर मौजूद पाए गए, जो लोग के लिए हैरत का विषय भी है और कुदरत का राज भी। दरबारे ताजुल अवलिया और ताजा आबाद। दर्शकों, आज जो इलाका ताजा आबाद शरीफ के नाम से जाना जाता है वह दरअसल पुराना बीड़ी पेट है। यह शहर के दक्षिण भाग में उमरेड रोड पर है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने बग्घी में सवार होकर दिघोरी जाया करते थे। कहते हैं कि नागपुर ये संतों की भूमि है और इसी भूमि पे बाबा ताजुद्दीन अवलिया ये भी यहाँ पे आए हुए थे और बाबा ताजुद्दीन का आज दरगाह में हम इस समय में बड़ा ताजबाग में मौजूद है। हम आपको बता दें कि इस समय में हमारे साथ में राजा मुदोजी भोसले साहब है और मुदोजी भोसले साहब के अब तक के कई पूर्वजों ने बाबा ताजुद्दीन जी की काफ़ी सेवाएं की है और आज बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए हम राजा साहब से कुछ बात करते हैं। राजा साहब ये बताए कि जिस तरह से आज ये जो भव्य पालकी भोसले की ओर से निकल के क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पे बाबा जान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा जान के जो कोचवान थे हीरालाल जी, उनके नाती ने एक बाबा जान की जो रघुजी महाराज दीवी बग्घी थी, वो बग्घी का जो पुराना जो चेसिस और ये सब है उसके ऊपर उसने एक लकड़े का नया काम करके वो बग्घी से तैयार की और वो बग्घी आज यहाँ पे हम बाबा जान की सेवा में वो बग्घी देने जा रहे हैं, ताकि जो वार्षिक उर्स संदल निकलता है बाबा का, वो शाही संदल में वो बग्घी वो उर्स में हमेशा निकलते रहे। वो उपलक्ष्य में आज यहाँ वो बग्घी हम भेंट करने जा रहे हैं और बाबा जान को दी हुई अर्पण की हुई चीज़ें आज फिर से उनको वापस अर्पण करने के लिए जो उनके कोचवान हैं, कोचवान के जो नाती वगैरह है उनकी इच्छा थी और उन्होंने एक बहुत सुंदर राजस्थान से कारागिर बुला के एक सुंदर उसको तैयार किया है और आज से ये बग्घी बाबा जान की सेवा में यहाँ दी जा रही है। राजा साहब ये बताए कि भोसले जी के ऊपर में भोसले जो परिवार था तब आपकी जो पीढ़ी जो दर पीढ़ी जो बनती गई, बाबा जान की काफ़ी असीम कृपा दृष्टि रही है, कितनी और दूर दराज से लोग आते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भोसले परिवार का एक जो लगाव था। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा जान की सेवा करने का मौका हमारे पूर्वज को मिला। रघुजी महाराज चतुर को बाबा जान बड़े भैया कहते थे और एक संयोगी है कि बाबा जान को ब्रिटिश लोगों ने थोड़ा सा पागल समझ के पागलखाने में बाबा जान की लीला को समझ नहीं पाए थे और उनको वहाँ रखा था, तो उस वक्त रघुजी महाराज ने आगे बढ़कर बाबा जान को पागलखाने से बाबा जान को लाए और उनकी आखिरी तक सेवा करने का सौभाग्य ये हमारे
पूर्वजों को मिला और वही सौभाग्य अभी उनके कारण हमारे घराने को है। बाबा जान हमारे एक परिवार के ही है, ये हम मानते हैं और मानते रहेंगे। बिल्कुल, तो आप थे राजा मुरुजी भोसले साहब जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि बाबा जान का लगाव कितना था और बाबा जान की जो रिश्ते थे, क्योंकि बाबा जान ये सभी जाति धर्मपंथ के लोगों को साथ में लेके चलते थे और आज समय भी वो है कि सभी का सम्मान करना चाहिए और एकता अखंडता इस देश में बरकरार रहना चाहिए। यही संदेश आज बाबा जान के जन्म के इस पावन पर्व पर, इस अवसर पर राजा मुरुजी भोसले साहब ने दिया है। गांव के लोग आपका इंतजार करते थे और आपसे गुजारिश करके अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। कभी कभी आप उनकी झोपड़ियों में या फिर जंगलों में मुकाम करते थे। आपके खास सेवक आपके साथ होते थे, अक्सर अकीदतमंद आपको घेरे होते थे, आपके लिए खाना चाय वगैरह का इंतजाम रखते थे। जो लोग जाना चाहते हजरत से इजाजत लेकर चले जाते थे। बाबा हुजूर को इस इलाके से खास लगा था। एक रोज आपने हीरालाल को हुक्म दिया कि जंगल की ओर चलो। एक जगह आकर आप रुक गए जहां आज आपका रोजा है। बग्गी से उतरकर आप एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद आपने हाथ में वहां की मिट्टी उठाकर सूंघी और फरमाया, यहां से ताजुद्दीन की खुशबू आती है। फिर फरमाया, यहां ताजुद्दीन का बंगला रहेगा, बंगला नहीं तो झोपड़ी भी चलेगी रे। फिर आपने एक लकड़ी उठाकर झंडे की जगह लगा दी और फरमाया, यहां ताजुद्दीन का झंडा रहेगा, ताजुद्दीन जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा फरमाने के बाद आपके फरमान के मुताबिक अमल किया गया और जो निशानदेही आपने की थी उसी के मुताबिक अमल किया गया। 17 अगस्त 1925 को आपके पर्दा फरमाने के बाद महल में आपकी जियारत के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर आपके जनाजे को तैयार करने के बाद शहर के रास्तों से गुजारा गया, खास तौर से उन रास्तों से जहां से बाबा हुजूर जाया करते थे। हजारों का हुजूम था, लोग बेतहाशा रोते थे, सारे शहर में उदासी फैल गई थी। हिंदुस्तान के मशहूर अखबारों में बाबा हुजूर के पर्दा फरमाने की खबर छापी गई। जिस रोज आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई तो अकीदत मंदों का समंदर ठांटे मारता था। बारिश यूं हो रही थी जैसे आसमान रो रहा हो। लोगों का मौसम की परवाह थी न खुद का ख्याल। आखिरी रसूमात के बाद मजार झोपड़े नुमा पड़पे का बनाया गया, बाद में अदासा के पत्थरों से तामीर किया गया। वक्त के साथ साथ दरबारे ताजुल औलिया का विस्तार होता रहा। बाबा हुजूर ने ताज आबाद को अपनी आखिरी आरामगाह के लिए पसंद फरमाया, इसी से इसके महत्व का पता चलता है। आपकी बदौलत ही इस इलाके में आबादी आन बसी और यह इलाका ताज आबाद के नाम से मशहूर हुआ। आपके विशाल व्यक्तित्व के कारण जंगल में मंगल है। आपके बाबरकत वजूद ने जो नूर बिखेरे हैं उससे एक जहान रोशन है। ताज आबाद ताजी से आबाद हुआ है। आज भी आपकी शान में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि दिन ब दिन आपके फैज का दरिया उमड़ता ही चला आ रहा है। हजारों लाखों लोग सारी दुनिया से आपकी चौकट को चूमने आते हैं और अपनी झोलियां शहंशाह हफ्ते अकलीम के दर से भर भर कर ले जाते हैं। आज दुनिया के नक्शे पर जब नागपुर का नाम आता है तो ताजाबाद शरीफ का भी नाम आता है, और जब ताजाबाद शरीफ का नाम आता है तो साथ ही नागपुर का नाम भी आता है। इसी कारण सारे संसार में नागपुर को प्रसिद्धि हुई। एक वलिए मोतबर के नाम से बढ़ गया और एतबार नागपुर। ताजाबाद की आज की स्थिति काफी बदल चुकी है, विकास कार्य का काम चल रहा है। वर्तमान में तेज गति से ताजाबाद शरीफ परिसर में निर्माण कार्य जारी है। परियोजना के पहले चरण में यहाँ पर
हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास करीब 8 एकड़ पर नया निर्माण कार्य, समतलीकरण, सौंदर्यकरण, कॉरिडोर निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लंगर खाना, किचन, वजूखाना, शुरैक, टॉयलेट, शॉवर रूम, भव्य द्वार और प्रमुख रूप से दरबार का चौड़ाईकरण एवं सौंदर्यकरण आदि किया जा रहा है। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह, दुधिया कुआं, लंगर खाना, मस्जिद, परचम और मुख्य स्थानों को घेरने वाली बाउंड्री वॉल जैसलमेर के विशेष पीले सैंडस्टोन से बनाई गई है। बाउंड्री वॉल की ऊंचाई जमीन से 4.5 फुट और खंभों की ऊंचाई 5 फीट है। उमरेड रोड से दरबार का मंजर देखते बनता है। इस परियोजना के तहत इस दृष्टि से भी विचार किया गया है कि उमरेड रोड से ही श्रद्धालुओं को बाबा हुजूर का दरबार दिखाई दे, इसलिए उमरेड रोड के विशाल द्वार से लेकर दरगाह तक मार्ग को सीधा रखा गया। इस कॉरिडोर में कोई और निर्माण नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस स्थान पर जो हरियाली की जाएगी इसकी ऊंचाई भी कम ही रखी जाएगी। इस परिसर में छोटी दरगाह भी है। न सिर्फ बाबा ताजुद्दीन के दरगाह का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है अपितु आसपास के दरगाहों को भी नया रूप दिया जा रहा है। इस श्रृंखला में सबसे पहले बाबा के दोनों गुलदस्ते ख्वाजा बाबा और बम्बई वाले बाबा शामिल है। इस दरगाह भी सैंड स्टोन और मार्बल से सुशोभित की जा रही है और 8 एकड़ के भीतर की बाकी दरगाहों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस विशाल लंगर खाने में लगभग 2000 लोग एक साथ आराम से बैठकर लंगर खा सकते हैं। साफ सफाई और तमाम सहूलियात से सजा यह लंगर खाना जायरीन के लिए बहुत सुविधाजनक है। यहाँ पर आए लोग अल्लाह की प्रशंसा करते हुए यही कहते हैं कि तमन्ना है तेरी, तेरी आरजू है, मुझे सिर्फ या रब तेरी जुस्तजू है। तू शम्स व कमर में, तू बर्ग व शजर में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे जिक्र में महव है सारा आलम, हर एक के लबों पर तेरी गुप्तगु है। क्या तेरा तसव्वुर, क्या मेरा तखय्युल, तेरी जान ही जब मेरे कुर्बे गुलू है। तेरा नूर है, तेरी खुशबू है अरसू, गुलिस्तान गीति में जो रंग व बू है। किसी और की समत क्या देखूं शाहिद, हमा वक्त जब वह मेरे रूबरू हैं। मकम्बत, पूरे विश्व के श्रद्धालु घर में बैठकर इबादत करते हैं और औलिया अल्लाह की प्रशंसा में ये कहते हैं, है चरागे चिश्तिया सरकार ताजुल औलिया, है चरागे चिश्तिया सरकार ताजुल औलिया, अहले दिल की है जिया सरकार ताजुल औलिया। गुलशने दाऊद चिश्ती का महकता गुल कहें, तुमसे महका गुलसिता सरकार ताजुल औलिया। हफ्ते अकलीम शाह इससे परे भी आप हैं, क्या मकाम है आपका सरकार ताजुल औलिया। हाँ बनेंगे औलिया अल्लाह 1,25,00,000 आपसे, आपका फरमान है सरकार ताजुल औलिया। आपकी ठोकर से मुर्दे ने जिला पाई हुजूर, यह करिश्मा आपका सरकार ताजुल औलिया। हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसाई, कोई गैर हो, आप पर सब फिदा है सरकार ताजुल औलिया, आप पर सब फिदा है सरकार ताजुल औलिया। फैज पाए दर पे सब अच्छे बुरे आकर जिया, सब पे करते हैं अता सरकार ताजुल औलिया, सब पे करते हैं अता सरकार ताजुल औलिया। दर्शकों, 1,000 बार कलम को मुश्क व अंबर में डूबकर कोई सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्ला अलैह की पवित्र जीवनी लिखना चाहे तो भी लिखना संभव नहीं। इसका कारण यह है, एक तो आपका विशाल व्यक्तित्व, दूसरा आपका पवित्र चरित्र। कोई कलमकार ऐसा नहीं कि आपकी चित्रकारी कर सके। हमने बाबा हुजूर की जीवन कथा को लिखने का और दिखाने का एक छोटी सी कोशिश की है। हालांकि इससे पहले कई किताबें सरकार ताजुल औलिया की पवित्र जीवनी पर लिखी जा चुकी है, परंतु प्यास अभी भी बाकी है।
यह किताबें इतनी कठिन और उसका कथन भी इतना कठिन है कि आम जनता की समझ से बहुत दूर है। इसलिए बीसीएन न्यूज की ओर से बड़ा ताजाबाद की स्पेशल स्टोरी के लिए ये की गई एक छोटी सी कोशिश। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह, इनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। दर्शकों, अगली बार फिर किसी ऐसे ही श्रद्धा स्थान को लेकर हम आपके सामने में स्पेशल स्टोरी में जरूर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज नागपुर। नमस्कार, सलाम। तो दर्शकों, स्पेशल रिपोर्ट में आज आपने देखा कि बीसीएन की टीम ने बड़ा ताजबाग के हर परिसर में जाकर वहाँ की पल पल की जानकारी आपके समक्ष रखी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में जाते जाते हम आप सभी तमाम दर्शकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। देने को तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन बाबा जान ढेर सारा प्यार दे आपको, बरकत दे आपको। बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।